हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्टोप्लस एफआरपी टूल की। ठीक है, तो इन्होंने एक अपना नया वर्जन जो है रिलीज कर दिया है, ऑक्टोप्लस एफआरपी टूल वर्जन 2.0.s आउट। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारे मॉडल को जो है इन्होंने ऐड किया है, जो कि 5G है, जैसे वन प्लस नॉर्ड N10 5G। ये वन प्लस कई सारे मॉडल है जो कि इन्होंने यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने सैमसंग गैलेक्सी A01 को भी इन्होंने ऐड किया है, और इन्होंने इम्प्रूव किया है, ठीक है, अपने आप को एफआरपी रीसेट करने के लिए, जो कि वन प्लस के बहुत सारे मॉडल यहाँ पर 70, 70 प्रो, 70 प्रो, 5G, 8G, 8 5G, 8 प्रो, 5G नॉर्ड, इतने सारे मॉडल हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर रखी हैं, जो कि थोड़ी डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारे फोन जो अपने इंडिया में नहीं चलते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री के हैं। अगर आप इस टूल को जो है डाउनलोड करना चाहते हो, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो एक्टिवेशन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से इसकी प्राइस वगैरह आपको पता चल जाती है कि कितने प्राइस का ये जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक्टिवेशन जो है आप यहाँ से कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे आके jsmserver.com, यहाँ पे आके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। यानी कि इस एफआरपी टूल के लिए आपको डोंगल या बॉक्स की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो है ना कमाल की चीज। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस एफआरपी टूल को जरूर यूज करें। और अगर आप मोबाइल से रिलेटेड ई बुक वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है ई बुक वगैरह परचेज कर सकते हैं। अभी एक सॉफ्टवेयर का अपडेट प्रोग्राम कर चल रहा है ओनली 99 में, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम आता है और बहुत सारी चीजें आप भूल गए हैं, नए अपडेट होना चाहते हो, तो जो है 99 में जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 30 दिनों का कोर्स है, लाइव क्लास चलेगी उसके अंदर जूम सॉफ्टवेयर पे। तो भी उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।